द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू वॉच माय ऑल न्यू वीडियोस। दिस उज्जवल कुमार सैन वॉचिंग उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। तो जो हमारा एप्टीट्यूड का है, मैं आपको बताया था 100 वीडियोस बनाऊंगा, अब 100 नहीं ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मतलब क्या, हर टॉपिक के ऊपर कैसे भी क्वेश्चन आए, लगभग यहीं से क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, बनाऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा, बिकॉज मैं डेली 4 वीडियोस लगभग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इस महीने में पूरा एप्टीट्यूड अच्छे सीखेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। तो आप देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का है। ये प्रोबेबिलिटी का नाम सुनते बहुत सारे बोलते हैं बहुत आसान है। अरे आसान नहीं है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, अगर आसान है तो मैं एक वीडियो में क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व करना और किसी से भी सॉल्व करा लेना, देखेंगे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, राइट। चलिए वो तो बात अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, आगे फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको ही सॉल्व करके आंसर बताना है आपको कमेंट में, राइट गाइस, ताकि आप लोगों को पता लगे कि और पता लगता है आंसर कौन सा होगा, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स राइट आंसर के आते हैं, इतना मैंने एनालिसिस करा हुआ है। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या है, राम एंड रमेश appeared in an interview for 2 vacancies in the same department. Probability of Ram's selection is, Ram ka selection kitna hai? 1.6. That Ramesh ka kitna hai? 1/8. Matlab 1/8. What is the probability that only one of them will be selected? Matlab probability kya hoga unme se, matlab kya hoga ki unme se ek banda selected hoga, right? अब देखो इसका प्रोबेबिलिटी का क्या कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें एक होगा मतलब क्या है, इसमें और कंसेप्ट है, और मतलब क्या है आपका प्रोबेबिलिटी में प्लस है। अब देखो एक साइड मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन, या तो राम होगा या फिर रमेश होगा। लेट से स्मॉल आर इज कैपिटल आर इज राम एंड स्मॉल आर इज व्हाट, रमेश। अब देखो इज इक्वल टू लिखेंगे, अगर रमेश आया तो राम नहीं, अगर मान लो आराम से लिखते हैं ताकि आपको पता लगे, अगर मान लो राम आएंगे प्रोबेबिलिटी में तो रमेश नहीं आएगा, बार मतलब नहीं आएगा। अब देखो अगर मान लो रमेश आता है तो क्या होगा, राम नहीं आएगा, राइट गाइस। आप देखो नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी मतलब आप लोगों को पता है, तो राम का प्रोबेबिलिटी कितना है होने का, 1/6। रमेश का क्या है, 1/8 है, आप देख सकते हैं ऊपर है, तो नहीं होने का क्या हो जाएगा, 1-1/8 प्लस, ये तो आ गया। रमेश का कितना है, 1/8 मल्टीपल 1-1/6, समझ गए। अब देखो हमारे पास क्या आया, 1/6 7/8 आ गया प्लस 1/8 5/6 आ गया, राइट गाइज। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 7/48 प्लस 5/48, एलसीएम कितना आ गया, 48। तो 7 प्लस 5 कितना होता है, 12/48। अब क्या करो, दिमाग लगाओ, लगाने की जरूरत आपको पता होगा, 4 से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया इज 1/4। सो कौन सा ऑप्शन यहां पर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो गाइज होपफुली आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं जो आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। जो बंदे आपके पास आपके साथ वाला, हाँ आपके साथ में जो रहता है या फिर आजू बाजू में रहता है, उससे क्वेश्चन सॉल्व कराओ। आगे और एक क्वेश्चन दूंगा, होपफुली मैं कल दूंगा, देने वाला अभी नहीं था लेकिन कल मैं अपलोड करूंगा, और साथ में कुछ प्राइज भी रखेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर मैं सॉल्व कर दिया तो प्राइज रखेंगे, राइट। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल, बाय बाय।